बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं आपको आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अलशमी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में आपसे ये बात शेयर करने जा रहा हूँ कि जो लोग आप पाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये धोखा है, क्या ये फ्रॉड है? अगर तो ऐसा है तो इसका वैक्सीन क्या है, अभी हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही बात, अगर तो आप चैनल पर पहली बार हैं तो मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ कि इसका वैक्सीन क्या है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाई नेटवर्क की हकीकत, ये एक डिजिटल करेंसी है और ये हकीकत है कि ये फेक नहीं है। मैं मुतफिक हूँ, लेकिन अगर इससे आप सोचते हैं कि आपको कुछ हासिल होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो क्यों? वो इसलिए कि ये एक एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं आप लोगों को थ्रो। जितने कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करेंगे, उनका रेट अप होगा, जो आप स्क्रीन पर माइनिंग की शक्ल में देख रहे हैं। वो एक धोखा है। समझाने के लिए चंद गुजारचात आपकी नज़र करना चाहता हूँ। अपने अदना से दिमाग से अगर हो सके तो समझने की कोशिश कीजिएगा। इतने ज़्यादा कॉइन्स अगर बांट दिए गए जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इस करेंसी ऐप की जानिब से दिए जा रहे हैं, तो भाई सवाल ये है कि आखिर जब सबके पास ढेरों कॉइन होंगे तो इनको ख़रीदेगा कौन? अगर सबके पास यही कॉइन वाफर मकदार में होंगे तो सोचने की बात है। अगर ये हकीकत है तो क्या दुनिया के तमाम बिजनेसमैन पागल हैं या जायल हैं कि वो इस करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर फ्री ही मिलते तो वो अपने विंग बनाकर उसे माइन करते, इस पर बिजनेस करते, फ्री में पैसा कमाते, ना कि शेयर होल्डर बनाते। हकीकत नंबर थ्री में है तो सबसे पहले कमज़ोर ममालक की हुकूमतें इस पर काम करती हैं, बाकायदा अदारे बनाते और माइनिंग करते अपने कर्जात की अदायगी करने के लिए, अपने ममालक की खुशहाल बनाने के लिए। खुद सोचें ज़रा अपने दिमाग से कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सिवाय टाइम वेस्ट के कुछ नहीं है। रही बात अब YouTube पे अक्सर आपको वो भी अक्सर ज़्यादा रिसर्चिंग नहीं करते, तो इसमें भी वो रेफरल बनाने के चक्कर में आपको ऐसी वीडियो का सामना करना पड़ता है, तो वो भी एडवर्टाइजिंग करते हैं। वो आपका टाइम तो आपको तो कुछ हासिल हो या ना हो, उनको हासिल हो ही जाता है। तो ये बात है मार्टिक के। उसके बाद है इसकी मार्केटिंग करवाई जाती है, वो भी आपके पैसों से, आपके इंटरनेट से और आपके स्ट्रगल से। और ये है, आप भी ये आप पर है कि आप क्या फ़ैसला करते हैं। फ्री रातों रात अमीर होने के ख्वाब में गुम हो रहते हैं और कंपनी को फ़ायदा पहुँचाते हैं, इनके हाथों को का खिलौना बनने में बनते हैं, या अपनी कीमती वक्त ज़ियाँ करने की बजाय हकीकत पसंद बन के मेहनत करके अमीर बनते हैं, जो कि हकीकत पर मबनी है, ना कि ऐसे हसन ख्वाब देख के। अब ये आप पर मुनसर है कि क्या आप फैसला करते हैं। नोट, अगर किसी भाई बहन को दिल आज़ारी हो तो माजरत ख्वाह, ये जो हकीकत थी आपको बताई जा रही है। जज़ाकल्ला। हाँ, इसका समा टीवी पर आप खुद भी, वहाँ पे इंटरव्यू दिया जा रहा था कि एंड्रॉयड स्टूडियो में भी उसने हमारे पाकिस्तान डेवलपर ने कुछ मिस्टेक्स बग्स वगैरह से निकाली थी, और हैकर्स 2014 के हैकर्स में से ए वाइट हैकर भी वो रहे हैं, उनकी भी आपको इंटरव्यू समा टीवी पे मिल जाएगा, वो भी आप खुद देख सकते हैं। वो उन्होंने भी कहा है कि जो पाई नेटवर्क है अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं दे रहा, बस ये इस पैसे एक जिस तरह बिटकॉइन आया था, ये दूसरे नेटवर्क आए थे तो उन्होंने कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस तरह करके भाई ये भी है, इससे भी आपको कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, तो अपना टाइम मत ज़ाया कीजिए, किसी और काम में लग जाए जिससे आपको फ़ायदा होता है। फ्रीलांसिंग सीख लें, फ़ोटोशॉप फ़ोटोशॉप सीख कर अपना काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी समझ आ गई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आपने एक अच्छा सा कमेंट्स नहीं किया, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हकीकत पसंद मिलती रहती है। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।